टीम इंडिया के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने अपने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच को यादगार बनाते हुए 31 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेली और एक विकेट भी लिया। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में डेब्यू किया और उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन का टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान रहा। इसी के साथ बता दें कि कृणाल मैच के दौरान अपने पिता हिमांशु पांड्या को याद कर भावुक हो गए। दरअसल आपको बता दें कि कृणाल और उनके भाई टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने खुलासा किया है कि पिता की मौजूदगी का एहसास करने के लिए उनका बैग ड्रेसिंग रूम में रखा गया है। बता दें कि BCCI ने मैच के बाद कृणाल और हार्दिक की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करा, जिसमें हार्दिक अपने बड़े भाई कृणाल का इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कृणाल ने कहा है कि सपना सच हो गया, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की, खासतौर से पिछले 1.5 महीने से। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि पिता की देखभाल से लेकर हर चीज में मैंने मेहनत की, ये सब कुछ उन पर ही समर्पित है, सब कुछ उनके आशीर्वाद से हो रहा है, ये भावुक पल था। ऐसे में आपको बता दें कि कृणाल अपने पिता के निधन के बाद पहली बार टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे। मैदान में वो कई बार भावुक होते हुए नजर आए। भारत की पारी खत्म होने के बाद कृणाल पांड्या को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए और वो वहां पर भी भावुक हो गए। ऐसे में आपको बता दें कि इसके बाद वो और हार्दिक पांड्या दोनों गले मिलने के दौरान भावुक हो गए और रोते रहे। बता दें आपको कि हार्दिक और कृणाल एक दूसरे के काफी करीब हैं। मुश्किल समय में दोनों एक दूसरे का काफी साथ देते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है और 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है और ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कैसा रहता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।